हाय दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। आपको एक अंदर की बात बताऊं, कल कोई तकरीबन 8:30 बजे खान साहब ने अपनी टूटी हुई टांग पे भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। वो हुआ यूं कि कल रात को तकरीबन 8:30 बजे यानी कि गलत टाइम पे वो अपना फवाद चौधरी नहीं है। कौन फवाद? हाय फवाद, हाँ वो वाला। उसने खान साहब को जाके ये खबर सुनाई कि मुबारक हो खान साहब, मुबारक हो, मुस्लिम लीग पीटीआई में जम हो गई है। ये खबर सुनकर खान साहब इतना खुश हुए कि खुशी के मारे उन्होंने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। बल्कि मेरे सोर्सेस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो खुशी के मारे अपनी वो प्लास्टर वाली टांग पे खड़े होकर शायरी भी करना शुरू हो गए। अर्ज किया, तमाशा एले करम हो गई है, गले के मुस्लिम लीग पीटीआई से जम हो गई है। बले 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 बले, होने के ना मजा आएगा कि शेर वाले वीलान के ठप्पे और बले 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 बले। तब फवाद चौधरी को समझ आया कि भोले बादशाह ते कुछ और ही समझ रहे हैं। तब फवाद चौधरी ने भी बात समझाने के लिए एक फिल्मी शेर कह डाला, गल है नहीं है ये बताते हुए आपको मेरी आंख नम हो गई कि वो नून लीग नहीं वो काफ लीग है जो हमारे लिए जम हो गई है। मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि ये शेर सुन के खान साहब और लीजिया बोलते हुए बैठ गए कि यार काफ लीग तो 2015 में हमारे में जम नहीं होती थी, तू मुझे ये खबर इतनी लेटली सुना रहे। अब ये बात मेरे भोले कप्तान को कौन समझाए कि बेशक काफ लीग पीटीआई में 2015 में जम हो गई थी, लेकिन इस वक्त बाकी बची खुची की आदत को इसलिए शामिल किया जा रहा है कि खान साहब के बाद पार्टी को कुरैशी का जमे कौड़ा ना पीना पड़े बल्कि उसकी जगह मोनस का। लेकिन खान साहब नु की समझ आनी है, उन्होंने तो यह याद नहीं रहता कि गोलियां केड़ी लत्ते लगियां सन, सजी खबी खबी सजी, मतलब के यार कुछ भी सुना है। उन्होंने दो आदमी रखे हुए अपने सज्जे और खब्बे जो उन्हें यह बताते हैं कि कौन सी टांग जख्मी है और कौन सी टांग जख्मी नहीं है। सज्जे फवाद चौधरी ते खब्बे उस्मान डार। से मुझे ये याद आया कि ये सदर अलवी ये तो अपने आप को सचमुच का सदर समझना शुरू हो गए, मतलब के जितना बाख्तियार वो अपने आप को समझ रहे हैं इस बात पे तो बेअख्तियार हंसी आती। मुल्क में इलेक्शन करा दो, वाह भाई वाह, पता चले कि 2 दिन बाद कह रहे हैं कि मुल्क में सदारती निजाम ले आओ। हाँ भाई, ऑर्डर देने से की लगता है, पता चले कल रूस को ऑर्डर दें, ओए रूस चल जल्दी से यूक्रेन से जंग खत्म कर। हाँ भाई, उनका क्या पता है, कल को मोदी को ऑर्डर कर दें, ओए मोदी चल रिजाइन करो, राहुल गांधी को पीएम बना। हद है इन लोगों की, एक तरफ जेलें भरनी है और दूसरी तरफ जमानतें कराते हैं। मजाक है ये पार्टी यार, एक तरफ गिरफ्तारियां देनी है दूसरी तरफ जमान पाके बाहर मजवारी लगानी। बाय द वे अलवी साहब, आप भी जेल भरेंगे या बैठे बैठे बस ये पुराने गले सड़े नैरेटिव में फूकी भरते रहेंगे? बातें सुने इनकी, ऐसे कह रहे हैं कि जेल भरेंगे जैसे कि सारा बंदोबस्त कर लिया। बातें सुनो जरा इनकी, हैं हेलो, हाँ है, है जेल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सदर बोल रहा हूँ, मैंने ये कहना था कि मेरे लिए कमरा बुक कर लो। हाँ जेल में मैनेजर, हाँ हाँ बस ये करना कि मेरे कमरे से समंदर नजर आता हो, सी व्यू चाहिए मुझे, हाँ एसी शेसी सफाई वगैरह सब कुछ करा लो। बल्कि मेरी बात सुनो ना, मुझे वो वाला कमरा दे दो 420 है, है? वो इमरान खान ने पहले बुक कर लिया। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे 421 दे दो। क्या वो मोकलों के लिए बुक है? है ये क्या बकवास है, ओए मैं दंदान साज ड्रेक सदर हूं, तुम हॉल नहीं हो, है मेरी बात मानो,
वरना मैं तुम्हारी तहाड़ जेल में ट्रांसफर करा दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी और जेल में बुकिंग करा लेता हूँ। मुझे क्या पता था कि आप अंग्रेजों के जमाने वाले जेल में। कसम से ये हाल इनका, गुब्बारे से हवा परंज हो गए हैं, नहीं जेला परंगे वड्डे चैग वीरे। ये देख रहे हैं कि अपनी ही मचाई हुई तबाही से हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच गया है। इन्हें नजर आ रहा है, लेकिन ड्रामे करने, जेलें भरनी है, जुलूस निकालने, कोई फिक्र नहीं है कि ये मुल्क कहां जा रहा है। काश मुझे वो जुबान आती होती जिसमें मैंने समझा सकती कि सियासत में इस कदर घटियापन से, ब्लैकमेलिंग से मुल्क सवरते नहीं, बर्बाद हो जाते हैं।